हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। सो इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस द वेटनरी पब्लिक हेल्थ 2019 पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पोर्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So let's start with the fill-ups. So the first question is, dash percentage of myofibrillar protein present in typical mammalian muscles. So its answer is 11.5%. Next question is, second question is, subcutaneous fat obtained from adult buffalo and cattle is termed as. So its answer is marbling. Next question is, edible tissue obtained after slaughter of food animals, especially rumen and reticulum, is called. तो इसका जो आंसर है वो है ट्राइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन सॉलिड कंपोनेंट ऑफ मिल्क। तो इसका आंसर है ग्रेविमेट्रिक मेथड, जिसमें हम लैक्टोमीटर रीडिंग्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ डैश। तो जो पब्लिक हेल्थ है उनके फादर हैं डॉक्टर जे एच स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिकेटर बैक्टीरियम कंसिडर्ड फॉर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज़। तो ये हम सबको पता ही है, कोक्सिएला बर्नेटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है, इंट्रासेलुलर पैरासिटिज्म क्रिएट निके इन द सेल्स इज ड्यू टू डैश ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीमाइसेस यूज टू स्लॉटर डिजीज एनिमल इन विच मीट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज नॉन एज। तो इस टाइप के एनिमल जो हैं, जो डिजीज होते हैं, उनके लिए अलग से यूनिट बनाई जाती है उनको स्लॉटर करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी स्लॉटर यूनिट, या फिर इसको आइसोलेशन ब्लॉक भी बोलते हैं। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑन मीट हाइजीन इज। तो इसका आंसर है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जो कि FAO के अंडर में आता है। देन बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वेरिएबल आर द इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। तो इस टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल CIC वाज सेट अप अंडर। तो ये जो काउंसिल है ये सेक्शन 3 ऑफ द एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963 के अंडर बनाया गया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन स्पेसिफिक इनहेरेंट एंटी माइक्रोबियल कॉम्पोनेंट ऑफ LP सिस्टम। LP सिस्टम की फुल फॉर्म है लैक्टोपरोक्सीडेज। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एंटी माइक्रोबियल कॉम्पोनेंट होता है वो भी लैक्टोपरोक्सीडेज ही होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटर टेस्ट इन मिल्क इज ड्यू टू। तो मिल्क में जो बिटर टेस्ट होता है वो होता है साइक्रोट्रॉफ्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से, और हम जानते हैं कि जो सोरिंग टेस्ट होता है लैक्टोबैसिलस की वजह से। तो इसका आंसर होगा साइकोट्रॉफ्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रीफ्यूगल प्रोसीजर यूज टू रिमूव बैक्टीरिया फॉर मिल्क इज नॉन एज। तो इसका आंसर है बैक्टोफ्यूगेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, स्ट्रॉन्शियम इन मिल्क अफेक्ट मेनली। तो मिल्क में अगर स्ट्रॉन्शियम जो है वो अगर पाया जाता है तो वो मेनली बोन एंड बोन मैरो को अफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम मिल्क हेल्ड एट रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर फॉर सेवरल डेज कर्डल्स ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ। तो इसका आंसर है साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। जो साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रो करते हैं, तो वो जो मिल्क है उसकी कर्डलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल बायोहेजार्ड वार्निंग सिंबल वॉज क्रिएटेड बाय। तो इंटरनेशनल बायोहेजार्ड सिंबल आपने देखा होगा, तो इसको चार्ल्स एल बाल्डविन एंड रॉबर्ट एस रंकल ने क्रिएट किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ HACCP वॉज डेवलप्ड इन विच ईयर। तो ये 1960 में डेवलप हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड क्वार्टर ऑफ NIOH इज लोकेटेड एट डैश। तो NIOH की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो ये अहमदाबाद गुजरात में सिचुएटेड है। देन नेक्स्ट लास्ट फिलअप जो है वो है, आयोडीन वैल्यू ऑफ हॉर्स फैट इज। तो हॉर्स के फैट की जो आयोडीन वैल्यू होती है वो होती है 71 to 86%।
तो चलिए बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आयरन कंटेंट ऑफ खोआ इज। तो हम जानते हैं कि जब मिल्क से हम खोआ बनाते हैं तो उसका आयरन कंटेंट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका आंसर है सेकंड, यानी कि 100 ppm। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क फैट कंटेंट्स जनरली टाइप ऑफ फैटी एसिड। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मिल्क फैट जो है उसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैटी एसिड सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी क्रीम इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंजाइम। तो इसका आंसर है सेकंड, लेसिथिनेज। लेसिथिनेज जो एंजाइम है वो बीटी क्रीम प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर प्लेट मेथड इज अ टेक्निक यूज टू डिटेक्ट। तो ये जो मेथड है ये जनरली एंटीबायोटिक रेजिड्यूज जो होते हैं स्पेशली पेनिसिलिन वगैरह, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ वे इज मेनली ड्यू टू। तो इसका आंसर है फोर्थ, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 जो है उसकी वजह से वे का जो ग्रीनिश कलर होता है वो ऑब्टेन होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैथोजन विच इज एबल टू मल्टीप्लाई अंडर रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर। तो इसका आंसर है थर्ड, लिस्टीरिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल एल्जेरिन टेस्ट इन मिल्क इज डन टू डिटेक्ट। तो एल्कोहल एल्जेरिन टेस्ट जो है वो एसिडिटी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर है थर्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक्सक्रीटेड थ्रू काउज मिल्क। तो इसका आंसर है पेनिसिलिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड पॉइजनिंग इन मिल्क कंज्यूमर्स बाय बेसिलस सीरियस इज कॉज्ड बाय। तो जो एमेटिक पॉइजन एंड डायरियल टॉक्सिन, दोनों तरह के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द वन विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर एबनॉर्मल मिल्क टेस्ट। तो हम जानते हैं कि कैंप टेस्ट जो होता है वो मिल्क एबनॉर्मल मिल्क टेस्ट के लिए यूज़ नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम फूड एनिमल्स कैन बी कंडीशनली कंसिडर्ड फॉर इमरजेंसी स्लॉटर इन। तो इमरजेंसी स्लॉटर हम किस कंडीशन में कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, फ्रैक्चर, क्योंकि फ्रैक्चर में जो एनिमल होता है वो बहुत सीवियर पेन में होता है, इसलिए उसका इमरजेंसी स्लॉटर करना ज़रूरी होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड मोस्ट सेंसिटिव फॉर मीट स्पेशिएशन इज। तो हम जानते हैं कि सबसे बेस्ट और सबसे एडवांस मेथड जो होता है वो है PCR। तो इसका आंसर है फोर्थ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म हाइजीन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो जो टर्म हाइजीन है वो ग्रीक वर्ड हाइजिया, यानी कि गॉडेस ऑफ हेल्थ, उससे डिराइव हुआ है। तो इसका आंसर है सेकंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। तो मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए हार्ट वेट क्रायोस्कोप जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर है फर्स्ट। देन बात करते हैं द अबंडेंट अमाउंट ऑफ विटामिन आर प्रेजेंट इन मीट। तो मीट जो है उसमें विटामिन B12 जो है वो अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है और विटामिन C जो है वो डेफिशिएंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड कैन बी यूज टू मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीट फैट इज। तो इसके लिए हम थर्ड, रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीट इन विच हाइएस्ट मार्बलिंग आर ऑब्जर्व्ड। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा फर्स्ट, बीफ। तो बीफ जो है उसके मीट में हाइएस्ट मार्बलिंग यानी कि फैट जो होती है वो देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल एजेंट हु कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर। तो इसका आंसर होगा बायोहेजार्ड, जो बायोलॉजिकल एजेंट जो कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होते हैं उनको हम बायोहेजार्ड बोलते हैं। और अगर इसकी जगह केमिकल हो जो अदर ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को अफेक्ट करें तो उनको हम कीमोहेजार्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फर्स्ट, बायोहेजार्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल एजेंट्स हु कॉज गुड इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर। तो इसका आंसर होगा नन, क्योंकि बायोहेजार्ड और कीमोहेजार्ड दोनों ही जो है हार्मफुल इफेक्ट देते हैं, ना कि गुड इफेक्ट। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, नन। देन बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की नॉर्मल एसिडिटी ऑफ मिल्क इज़। तो हम जानते हैं कि मिल्क की जो जनरल एसिडिटी होती है वो होती है 0.14%। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू वॉन्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पेपर देन प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन।
Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you.